नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 मई दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव ने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कही ये बात। नियोजित शिक्षकों के मामले को लेकर सुशील मोदी ने वामपंथी दलों पर साधा निशाना। आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर जीतनराम मांझी ने नीतीश से की ये मांग। जातीय जनगणना पर लगी रोक का जिम्मेदार चिराग ने नीतीश को बताते हुए कही ये बात। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की कर रही तैयारी। अब चले बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर सीटों के फॉर्मूले को लेकर कही ये बात। नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की मुहिम और इसे सफल बनाने के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी दलों से मुलाकात भी कर रहे हैं। उनके इस अभियान पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने चुटकी लेते हुए कहा है कि नेताओं और दलों के साथ में बैठक कर चाय पीने से विपक्षी एकता अगर होनी होती 10 साल पहले ही ऐसा हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती। इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आगे उन्होंने सीटों की बात करते हुए कहा कि विपक्षी एकता की बात करने से पहले बिहार में सीटों का तो फॉर्मूला तय किया जाए कि जदयू, कांग्रेस, राजद और उनके अन्य सहयोगी दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में सत्ता बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता ने कही ये बात। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के जीत के बाद राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर काफी हलचल देखने को मिला। कांग्रेस आलाकमान व अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए मंथन में दो नाम के बीच चल रही रस्साकसी अब अंततः फैसला ले लिया गया है, जिसमें सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया। अब इसी बीच ये चर्चा तेज थी कि कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक में गतिरोध तोड़ने के लिए सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता बंटवारा या बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। लेकिन इन खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया ही पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं पाटिल के बयान के बाद शिवकुमार ने चल रही इन अटकलों को लेकर केवल इतना कहा कि आलाकमान से इसे देख लेंगे। तेजस्वी यादव ने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कही ये बात। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसके उद्घाटन से पहले ही देश में से लेकर सियासत देखने को मिल रही। दरअसल देश के कई विपक्षी दल इस उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। अब यह विरोध के राजनीतिक पार्टियों से भी अछूता नहीं है। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपना विरोध जताते हुए कहा है कि सभी विपक्षी दलों से हमारी बातचीत हुई है और हम लोगों को भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इस नए भवन के उद्घाटन का बायकॉट करेंगे। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाया जाना चाहिए था। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट के हेड होते हैं, इसलिए उनसे संसद भवन का उद्घाटन न करवाकर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी का अपमान किया जा रहा। ममता बनर्जी ने केजरीवाल के समर्थन में कही ये बात। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल के पक्ष में आए फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया। अब इस अध्यादेश के विरोध में केजरीवाल अलग अलग राज्यों से अपना समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के लिए कोलकाता गए और वहां केजरीवाल ने बनर्जी से समर्थन मांगा। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता भी केजरीवाल के साथ नजर आया, जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और कैबिनेट मंत्री अतीशी मौजूद थे। इस मुलाकात के पश्चात ममता बनर्जी ने दिल्ली सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र जो अध्यादेश लेकर आई है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ है। हम दिल्ली का साथ देंगे। सभी विपक्षी दलों के लिए एक होने का यह एक मौका है। इसका पूरा देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं और केंद्र सरकार का अध्यादेश भी गिराया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम राज्यसभा के अंदर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में न्याय भी मांगेंगे। आनंद मोहन नीतीश से मिलने पहुंचे उनके आवास। आनंद मोहन के जेल से रिहाई के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। अब इसी बीच खबर सामने आई है कि आनंद मोहन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन यह मुलाकात किन मुद्दों को लेकर हुई है इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा देखने को मिल रही है कि यह मुलाकात आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ आनंद मोहन के रिहाई को लेकर, एक कानून संशोधन को लेकर जो मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन मुद्दों को लेकर की गई है। हालांकि यह कितना सच है इसका खुलासा तो खुद नीतीश और आनंद मोहन ही कर सकते हैं, लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया के सामने ऐसे किसी बातों को सामने नहीं रखा है। टीएमसी नेता ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करते हुए कही ये बात। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। उद्घाटन समारोह में देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद कई नेता और मंत्री भी शामिल होंगे। अब इसी समारोह कार्यक्रम को लेकर टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्विटर के जरिए तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन का मतलब ए में मेरा, मुझे अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा
कि पार्लियामेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि यह पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। वहीं संसद भवन को भारतीय लोकतंत्र की नींव बताते हुए उन्होंने कहा कि ये बातें पीएम मोदी को समझ में नहीं आती हैं। नियोजित शिक्षकों के मामले को लेकर सुशील मोदी ने वामपंथी दलों पर साधा निशाना। नियोजित शिक्षकों के मामले को लेकर बिहार में विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने वाम दल को घेरते हुए कहा है कि शिक्षकों के मुद्दे पर वाम दल घड़ियाली आंसू बहा रही है, यदि हिम्मत है तो नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेकर दिखाए। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली के विरुद्ध आंदोलन करने वालों की जायज मांग पर सरकार समर्थक वामपंथी दल केवल घड़ियाली आंसू बहा रही है, यदि हिम्मत है तो वामपंथी दल शिक्षकों की मांगों को मुद्दे पर नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय करे। आगे उन्होंने बिहार सरकार को ते हुए कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों की बात सुनने के बजाय उन्हें धमकी दे रही है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की कर रही तैयारी। आम आदमी पार्टी का कद अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां वे कभी केवल दिल्ली तक ही सीमित था, वहीं अब पंजाब में भी अपने पैर पसार चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली और पंजाब में अपना समर्थन हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनाव में भी अपने किस्मत को आजमाने में लग चुकी है। दरअसल इस बात की जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा कहा गया है कि अगर पार्टी मैदान में उतरेगी नहीं, लोग उसके बारे में जानेंगे कैसे। आगे उन्होंने कहा कि हम सभी सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम उन सीटों पर भी लड़ेंगे जो हमारा कैडर में नहीं है। यहाँ पर हमारे जीतने का कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ भी हम लड़ेंगे ताकि लोग आम आदमी पार्टी को जान सके। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है या किसी के साथ। जदयू नेता ने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जमानत होगी जब्त। अक्सर कई नेता अपने विवाद बयान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से एक ऐसा ही बयान सामने आया है। दरअसल यह बयान बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने अगर गलती नहीं की होती तो आज सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते। उनके इस बयान पर अब जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा कि बीजेपी के लोग कभी भी आपसी सद्भाव की बात नहीं करते हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन देश भर में हंसी के पात्र बन चुके ऐसे नेताओं को जनता अच्छी तरह से जान चुकी है और ऐसे नेताओं के कारण ही 2024 में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। जातीय जनगणना पर लगी रोक का जिम्मेदार चिराग ने नीतीश को बताते हुए कही ये बात। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में मौजूद कई विपक्षी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से चिराग पासवान ने बिहार सरकार को घेरते हुए कहा है कि जातीय जनगणना के प्रति नीतीश कुमार का शुरू से इन ढुलमुल रवैया रहा है, जिसकी वजह से दो चरणों के बाद उस पर रोक लगा गया है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर रही है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आनन फानन में बिना किसी मुकम्मल तैयारी किए बिना जनगणना का कार्य प्रारंभ करवा दिया, वह कहीं से भी उचित नहीं था। आगे उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि नीतीश कुमार की मंशा जातीय जनगणना करवाने की नहीं थी, वे केवल दिखावा कर रहे थे। बीजेपी ने नीतीश सरकार को लेकर कही ये बात। आए दिन बिहार के राजनीति कुछ नया मोड़ लेती नजर आती है। अब यह राजनीति हेलीकॉप्टर को लेकर देखी जा रही है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर को सरकारी हेलीकॉप्टर न देने का आरोप बीजेपी द्वारा नीतीश सरकार पर लगाया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर को पार्किंग के लिए स्टेट हंगेर में जगह नहीं देने पर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। दरअसल सम्राट चौधरी अपने किसी कार्यक्रम को लेकर दरभंगा जाने वाले थे, जहां उनके हेलीकॉप्टर को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली थी। इन्हीं वजह से बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार बीजेपी से डरी हुई है और नीतीश का जनाधार भी खिसक रहा है। यही वजह है कि सम्राट चौधरी के दरभंगा दौरे पर सरकार अड़चने पैदा कर रही है। बीजेपी का यह सम्मेलन राजद की बढ़ाएगा मुश्किलें। आज पहली बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी दरभंगा पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी मौजूद सम्राट चौधरी के साथ मौजूद रहे। वहां पहुंचने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत जोरदार तरीके से किया। बता दें कि दरभंगा में यह सम्मेलन महागठबंधन के सभी घटक दल जैसे राजद और जदयू के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर रखा गया है, जहां सम्राट इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। बता दें कि यह कार्यक्रम महागठबंधन के लिए परेशानी खड़े करने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय संजय सिंह ने अपनी उम्मीदवारी राजद पार्टी के तरफ से मांगी थी, लेकिन राजद ने इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद खफा हुए संजय सिंह अब बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर जीतन राम मांझी ने नीतीश से की ये मांग। जहां एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश के लगभग कई विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए नीतीश कुमार मुहिम चला रहे हैं, वहीं लोकसभा की सीटों पर बिहार में अभी से ही सियासी समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं। दरअसल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मांग करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में हम पार्टी बिहार के सभी सीटों पर मजबूत होना चाहता है, साथ ही 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। आगे उन्होंने कहा कि गरीबी की सेवा करना और उनकी राजनीति भागीदारी सुनिश्चित करना हमारी पार्टी का उद्देश्य है। मांझी ने कहा कि महागठबंधन में एक सहयोगी दल होने के नाते हमारी पार्टी को उचित भागीदारी मिलनी चाहिए।
अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर कर दी विवादित टिप्पणी। आए दिन राजनीतिक दल विवादित बयानबाजी करते नजर आते हैं। अब एक बार फिर से एक ऐसा ही विवादित बयान सामने आया है। दरअसल ये बयान लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने किया है। उन्होंने नोटबंदी वाले मामले को उठाते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी नोटबंदी करके पागल हो गए हैं। ये मोदी नहीं पागल मोदी है। इनकी इन्हीं हरकतों के चलते विपक्ष इनके खिलाफ एकजुट हो रही है। अगर उन्होंने सवाल खड़े किए कि भारत में आज क्या हो रहा है, ये हर कोई जानता है। जो कोई उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं ये उसे रास्ते से ही हटा देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इनके खिलाफ आवाज उठाया तो उनकी सांसद चली गई। ये सिर्फ यही कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भाजपा की चार बड़ी सभाएं बिहार में होगी आयोजित। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल जुट चुके हैं। अब इसी कड़ी में भाजपा भी बिहार में अपनी चार बड़ी सभाएं करने वाली है। बता दें कि सभा भाजपा के सत्ता में पूरे 9 साल तक बने रहने के उपलक्ष्य में लिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा द्वारा आयोजित सभा में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, जहां प्रधानमंत्री आम लोगों को संबोधित कर सकते हैं। बता दें कि भाजपा द्वारा आयोजित होने वाले सभा को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके जरिए भाजपा बिहार पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। जिन व्यूवर्स और हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है श्रीकांत कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद सगीर हुसैन। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राजनीति में नेता अक्सर विरोधी दलों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।